साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक स्टडी पे। साथियों BPSC TRE 3.0 का री एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई के बीच में होने वाला है और साथियों इसी बीच बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक नया नोटिस जो है BPSC ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड किया है, तो यह नोटिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के माध्यम से हम इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले आपको BPSC की ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है। जैसे आप BPSC की ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे दो नोटिस आपका जारी हुआ है, एक आपका थोड़ी देर पहले आपका जो नोटिस जारी हुआ था वह 9th-10th वालों के लिए हुआ था, यानी कि आज के डेट में देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट आपका नोटिस है जो आपका TRE 3.0 के एग्जाम से है। एक आपका 9th-10th के लिए है जो हम आपको ग्रुप में भी शेयर कर चुके हैं, एक बार हम आपको दिखा देते हैं, और फिर एक दिखाएंगे जो आपके सभी क्लास के लिए है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे एक नोटिस आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा TRE 3 के कतीय अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट और अपठनीय और रिक्त है। यानी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो वहाँ पे अपना फ़ोटो के बदले दूसरे का फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं या फिर अपना सिग्नेचर जो है सही से वे अपलोड नहीं कर पाए हैं। वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात यानी कि जो साक्ष्य होगा, परीक्षा की निर्धारित तिथि 19/7/2024 से 22/7/2024 तक की परीक्षा के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अगर मान लीजिए कोई गलती हो गया है तो आप एक प्रूफ के साथ यानी कि जो आप कागजात आप बनवा के ले जाएंगे वहीं आपको सेंटर पे देना होगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यानी कि www.bpsc.bihar.nic.in पे उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रिक पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे एक आपको नोटिस डाउनलोड करना है, जो घोषणा पत्र है उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। हम आपको आगे घोषणा पत्र भी दिखाएंगे। अगर आपका सिग्नेचर गलती हो गया है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, या फोटो आपका सही से अपलोड नहीं है या किसी और का भी आप अपलोड कर दिए हैं, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको एक घोषणा पत्र देना होगा और वहाँ पे राजपत्रिक पदाधिकारी से आपको क्या करना होगा, वहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आगे है कि राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित दो रंगीन फोटो में से एक फ़ोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे, दूसरा फोटो ई प्रवेश पत्र के कार्यालय के प्रति संबंधित परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष के समक्ष चिपकाएंगे। और तीसरे नंबर पर देखिए कि अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि आपको आधार कार्ड वहाँ पे देना है। अगर मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो वैसी स्थिति में आप पैन कार्ड दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो अगर आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ सही है तो आपको आधार कार्ड ही पहली प्रायोरिटी है, आपको आधार कार्ड ही देना है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि केंद्राध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के बाद ही उन्हें अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। पांचवा है कि उम्मीदवारों को डाक से यानी कि बाई पोस्ट प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे, यह बात यहाँ पे की गई है। आगे देखिए कि विहित घोषणा पत्र आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम आपको दिखाते हैं, तो अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यह आपका घोषणा पत्र है जिसे आपको जो है भर के यानी कि राजपत्रित पदाधिकारी से आपको वेरीफाई कराने के आपको देना होगा। अभी आपको वेबसाइट पे अगर नहीं मिलेगा यह घोषणा पत्र तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आपको सर्च करना है सिंपली टेक स्टडी BEd, आपको सर्च करना है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम इस PDF को शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जो है इस घोषणा पत्र को डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल के और आप जो है यहाँ पे जो भी सुधार करवाना हो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे घोषणा पत्र देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या बातें दी गई है, जो आपका इसमें ज़रूरत है वही चीज़ आप करवाएंगे, और यहाँ पे आप जो राजपत्रित पदाधिकारी होंगे उनसे अभिप्रमाणित फोटो आप लेके यहाँ पे चिपकाएंगे, यानी कि फोटो जब वेरीफाई कराएंगे तो यहाँ पे आपको चिपकाना है, और यहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी में क्या करना है, सिग्नेचर करना है। तो यही आपका जो देख सकते हैं घोषणा पत्र है, इसी को आपको डाउनलोड करना है, और इसी को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है और एक कॉपी वहाँ पे आपको देना है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका किसी भी कारण से अगर आपका फ़ोटो अस्पष्ट नहीं है, अगर आपका सिग्नेचर अस्पष्ट नहीं है, अगर आपका फ़ोटो किसी दूसरे का आपके जगह पर किसी दूसरे का अपलोड हो गया है,
या कोई भी आपकी फ़ोटो से या सिग्नेचर से संबंधित परेशानी होगी तो आप इस घोषणा पत्र को जो है लेके जा सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई करा लीजिए राजपत्रित पदाधिकारी से, और उसके बाद आप इस घोषणा पत्र को साथ में लेके आपको जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पे आपको जाना होगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।